अरे किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन के बारे में। सबसे पहली बात, जब भी वो लहसुन लगाते हैं तो जो बड़ी फांके होती हैं उनको लगाएं, जिनका वजन कम से कम 1 ग्राम के करीब होता है उनको लगाएं, बहुत छोटी छोटी फांके ना लगाएं। और जब वो फांके लगाते हैं तो उस टाइम पे जो उनको NP और K, जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस और पोटाश है, वो कम से कम 150-50-50 के हिसाब से डालें। मतलब 150 किलोग्राम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें, 50 किलो फॉस्फोरस और 50 किलो पोटाश का इस्तेमाल करें। और जो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन है वो आप 3 टाइम में डाल सकते हैं। एक तो शुरू में जब आप लगाते हैं लहसुन को, उसके बाद 30 दिन के बाद आप फिर नाइट्रोजन डाल सकते हैं 50 किलो, और उसके 15 दिन के बाद, मतलब 45 दिन के बाद आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पत्तियां पीली पड़ने का एक कारण ये होता है कि आपने जो खाद की मात्रा है वो पूरी नहीं डाली है। जब आप अपना प्याज लहसुन लगाते हैं, लहसुन लगाने के बाद आप उसमें पनीडा का या पेंडीमेथिलीन का स्प्रे करें, वो कम से कम 3 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, और उसके बाद पानी दे दें। तो उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि बहुत जल्दी खरपतवार नहीं आते हैं। जब भी आपने लहसुन लगाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पैदावार अच्छी हो, पौधे से पौधे की दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, एक तो आपकी दूरी अच्छी रहती है और आप बहुत ज़्यादा लहसुन ले सकते हैं छोटे एरिया में से। तीसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं। किस्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब और दूसरी बात ये होती है कि लहसुन जो सर्दियों में लगता है, सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी कम रहती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ने लगता है, वैसे आप देखेंगे आपके पौधे एकदम सुदृढ़ और अच्छे लगने लगेंगे। जैसे फरवरी में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके पौधे आप देखेंगे बहुत अच्छे आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि उसमें क्या कीड़े आते हैं या क्या, सबसे मेन चीज़ जो इसमें आती है वो है थ्रिप्स। थ्रिप्स के लिए आप क्या करते हैं, थ्रिप्स आप देखेंगे कि आपको लगता है कि आपके पत्ते चूसे हुए हैं या गिरे हुए हैं। अगर आप बीच में से इसके दो पत्ते, जो अंदर वाले नए पत्ते होते हैं, दो खोलेंगे, अगर आप वहाँ पर देखें कीड़े हैं और वो 20 या 25 से ज़्यादा हो रहे हैं कीड़े, वो चल रहे होते हैं, आपको दिखाई देंगे, तो आपने स्प्रे करना है कोई भी इंसेक्टिसाइड का, जो भी कीड़ा मार दवाई है। जैसे कार्बोसल्फान है, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे आप। फिप्रोनिल है, वो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो लास्ट में अगर आप चाहें तो एक स्पाइनोसेड करके आता है, वो बहुत कम लगता है, बहुत महंगा भी होता है, इसलिए बहुत कम लगाना चाहिए आपको। 3 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करें। जब भी आप स्प्रे करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि लहसुन या प्याज के पौधे एकदम खड़े रहते हैं, उन पर पानी रुकता नहीं है, और अगर आप स्प्रे करेंगे वो पानी सारा नीचे गिर जाता है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जो घुलनशील होता है, स्टिकर बोलते हैं हम उसको, अंग्रेजी में स्टिकर बोलते हैं उसको, घुलनशील 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसको भी आपने स्प्रे में डालना है, और उसके बाद स्प्रे करेंगे। तो उससे क्या होता है, ये चिपकने वाला पदार्थ है, उससे आपकी दवाई जो है वो चिपक जाती है। दूसरी बीमारी आप इसमें देखेंगे, आपके जो पत्ते हैं वो जलेबी की तरह हो गए, बहुत टुड़े मुड़े एक दूसरे के अंदर चले गए। वो एक बीमारी होती है जिसे एरियोफिड माइट कहते हैं। वो माइट्स होती है, आपको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन आपको लगेगा कि वो एक पत्ते के अंदर दूसरा पत्ता चला गया। अगर सल्फ़र आपके पास है, सल्फ़र 5 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल कर दें, 5 या 10 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर दीजिए। सल्फ़र का स्प्रे करने से भी आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं फफूंदियाँ इसमें आती है, अभी आप देखोगे जब टेम्परेचर शुरू हो जाएगा, तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आपके जो पत्ते हैं ऊपर से ही मरने शुरू हो जाएंगे, पीले वो एकदम से काला काला से धब्बे आने शुरू होंगे, वहाँ से मरना शुरू हो जाएंगे, और आपकी पूरी जो फसल है वो झुलस जाएगी। उसको झुलसा रोग बोलते हैं, जैसे स्टेम फिलियम ब्लाइट बोलते हैं। उसके लिए आपको प्रिडोमिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, अभी अगर आपका लगा हुआ लहसुन तो कम से कम 3-4 महीने का हो गया है, अब इसके बल्ब बढ़ने शुरू हो चुके होंगे, 90 दिन के बाद आप ने इसमें एक बार मल्टी के का स्प्रे करना है। पोटाश जो है इसको बल्ब को बड़ा करता है, तो मल्टी के का आप स्प्रे कर सकते हैं, वो भी आप 5 ग्राम से 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 1 या 2 स्प्रे करें, उससे आपका जो बल्ब है वो अच्छा बनेगा।